ये देखिए मैंने खुद के लिए क्या बनाया है। मैगी। आप कहोगे इतनी सी मैगी बनाई है, मैं इतनी सी खाऊंगी। पता है मैं ये कह रही थी कि ना मुझे ना मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ खाने पीने की छोड़नी है। मतलब पहले मेरे माइंड में होता था ना ये नहीं खाना, फिर क्या होता है कि 10 दिन आप खाते नहीं, फिर 10 दिन आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो थोड़ी थोड़ी खा लो। देखो इतनी सी मैगी क्या नुकसान करेगी, लेकिन भर भर के फिर आप खाते हो वो नुकसान देता है। विहान सोकर उठ गए हैं और ये देखिए आज मैंने सूट पहने हैं। चलिए बाद में दिखाऊंगी सूट की लुक। तो घर में मैंने यहाँ पर देखिए ताला लगा दिया है, मैं बाबू को लेकर बाहर जा रही हूँ। आपको मेरी वीडियो में ना आवाज़ कम लगती है, धीरे आ रही होती है या ज़्यादा लगती है, कैसे आती है आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा पता चलेगा। उस तरीके से अगर मैं धीरे आवाज़ आती है तो मैं थोड़ा तेज़ बोल लिया करूँगी। तो विहान को क्या था, पहले मैं ऑटो करके लेके जा रही थी, फिर इसकी ना एक ही दम से जैसे ही मैं घर से बाहर निकली और इसने इतना तेज़ रोना शुरू कर दिया, फिर मैं घर में वापस गई। मैंने कहा चलो देखती हूँ पहले इसको दिक्कत क्या हो रही है। तो इसको ना वो जो दिक्कत थी ना अभी इसके पीछे दवाई चली थी, वही दिक्कत फिर से हो रही थी इसको ना। मतलब अभी यूरिन में अभी इसके इन्फेक्शन की दिक्कत है। यहाँ पर अभी हम सब्जी मंडी आए हैं और भैया को बोला है, देखिए सामने मौसमी का जूस बनवा रही हूँ विहान के लिए, पी लेगा। आज पता है क्या हुआ, बाबू की तबीयत विहान की इतनी ख़राब हो गई थी, मैं जब आपको पता है वीडियो मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने बोला था कि हाँ मैं जा रही हूँ विहान को लेके, उसी वक्त मुझे वापस घर आना पड़ा। इसकी तबीयत एकदम से इतनी रोया है, इतना रोया है ये 15-20 मिनट लगातार दर्द के मारे। इसको वहीं दर्द हो रहा था, इन्फेक्शन हुआ था ना इसको, तो उसके बाद चुप हुआ। उसके बाद अब पापा जी स्कूटी पे ले आए, देखो ना बोलते चल घुमा के लाते हैं। ये हमारा ग्लास बन के आ गया है जूस का। ये बाबू जूस पियो। हाँ जूस पी लो, जल्दी से ठीक होना है ना। बाकी बचा हुआ बस इतना ही पीता है, इससे भी कम आज से भी चलो इतना तो पिया, तो मैं पी लेती हूँ बाकी बचा हुआ। पापा जी देखो सब्जी ले आए हैं, सब्जी में है घिया है और मुझे बैंगन नज़र आ रहे हैं। पापा जी ने देखिए पीछे भी हान को गोदी ले रखा है। मैं इतने कुछ फ्रूट्स खरीदने की आई हूँ। भैया 4 केले दे दो, 4 ही देना। ये भैया बोले कि ये थोड़ा ना अभी कच्चा कच्चा है, ये कल तक तैयार हो जाएगा। हाँ ये वाला कर दो। भैया ये क्या है, ये सीताफल है। ये सीताफल है, अच्छा ये मतलब क्या प्राइस है इसका? 80 रुपए के जी। 80 रुपीज का केजी, 1 किलो। आप मुझे पाइया दे दो, मैं ट्राई करके देखूंगी कैसा होता है। तो देखिए ये सीताफल है जो मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि इसको खाते भी कैसे हैं। कैसे खाते हैं इसको? तोड़ के। खट्टा होता है ये? मीठा होता है। हाँ क्या नाम से है? निधि की दुनिया। निधि की दुनिया। हाँ यूट्यूब पर। हाँ निधि की दुनिया। निधि की दुनिया। हाँ इसको भैया छील के खाते हैं, तोड़ के खाते हैं। तोड़ के हाँ भी करती हूँ। अब ये समझ में नहीं आई। 1 मिनट। NIDHI निधि की दुनिया।
अभी नेट नहीं कम चल रहा है, देखिए ये लिखना होता है बस, ठीक है। इसमें निधि की दुनिया, इसमें आना तो चाहिए, अभी नेट स्लो चल रहा है। फेसबुक पर नहीं है, खाली यूट्यूब पर है। इसमें आप तो हाँ ये वाला है, हाँ हाँ मैं कर देती हूँ। इसमें सब्सक्राइब और बेल आइकन और हो गया ना? हाँ जी। ये कह रहे हैं कि जितने भी ग्राहक आएंगे सबसे अब आपको सब्सक्राइब करवाएंगे। मैंने कहा थैंक यू। तो अभी हम होगी है हमारी शॉपिंग पूरी, चलते हैं। तीस का दूध कर दीजिए। हमने ले लिया है। एक्चुअली क्या है ना, मम्मी पापा जी की मैं बोलती मम्मी के यहाँ हमारे यहाँ आता तो है दूध, उसमें से ही ले लेना, कितना बस चाय के लिए लेना होता है मेरे फादर को। पापा जी बोलते ना तेरी माँ से नहीं लेता दूध, बोली मम्मी को पसंद नहीं है। मम्मी कहते हैं अपना दूध अपना अलग रखो, मेरा दूध छेड़ा मत करो। तो ये लो पापा जी, आ गया आपका दूध। आ गया ना विहान, आ जा चलो उंगली पकड़ो मेरी। मैं एक्चुअली विहान को पार्क में ज़्यादा लेकर नहीं आती, क्योंकि इस टाइम आपको पता है डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और ना पार्क में क्या होता है, पानी देते हैं जैसे घास वगैरह को, तो कहीं कहीं पानी इकट्ठा भी हो रखा होता है। इसीलिए यहाँ पे आज बाबू को ले तो आई, लेकिन मैं घास में नहीं घुमाऊँगी बिल्कुल। यहाँ जो पक्का पक्का रास्ता है ना, वहाँ पर ही 10-15 मिनट थोड़ा सा घुमा लूँगी, क्योंकि रो रहा था शाम को, तो थोड़ा सा इसको भी अच्छा महसूस होगा। और सोच रही हूँ अब आगे फ्यूचर के लिए अपनी लाइफ में, क्योंकि देखिए अभी बच्चा इतना बड़ा समझदार नहीं है मेरा, कि अभी पता है क्या होता है, जैसे मान लो दरवाज़ा, मम्मी जैसे मैं अपना घर पे काम कर रही होती हूँ और मम्मी दरवाज़ा खुला छोड़ दे, उसी वक्त बाहर निकल जाता है ये, और इसको इतनी समझ भी नहीं है। तो मैं अब, और बीमार भी वैसे भी आपको पता है दवाइयाँ चल रही हैं, तो अभी इसको वैसे भी मैं अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि देखिए YouTube अच्छी बात है, मैं YouTube पे काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे अब ना खुद के लिए एक नौकरी वाला काम या कुछ ना कुछ और भी प्रोफेशन वाइज सोचना चाहिए आने वाले टाइम के लिए। और अच्छा है YouTube ने इतना साथ दिया मेरा कि मैंने अपने बच्चे के लिए, जो मेरा पीक टाइम था, सबसे मुश्किल टाइम था मेरे लिए वो दौर, क्योंकि पति का चले जाना, उसके बाद कुछ भी मतलब आपके पास ना हो, फिर एकदम से बच्चे की भी जिम्मेदारी, तो यहाँ पे ना एक पॉइंट तो चलो सहारा तो मिला मुझे काफ़ी, मैंने भी मेहनत बहुत की। लेकिन अब ना क्या होता है ना, आपको रियल लाइफ में भी कुछ ना कुछ आगे करना चाहिए, क्योंकि आगे आपका फिर फ्यूचर बनता है, स्कोप बनता है। तो इसीलिए, क्योंकि देखिए अभी तक मैं क्या था, पहले जब मैं पहले साल मैंने जब मैं यूट्यूब पर आई थी, तो मैं दिन की 3-3 वीडियो पोस्ट करती थी शुरू के 6-7 महीने में। फिर उसके बाद मैंने कॉन्टिन्यूस दिन की 2 वीडियो रखी, और वो भी 1 साल तक। और अब मेरी वीडियो क्या थी हो रही है, कभी 3 जा रही है, कभी 1, कभी 2, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार कि मुझे कितनी वीडियो पोस्ट करनी चाहिए। कई बार मैं देखती हूँ चलो 3 वीडियो डाल के देख लेती हूँ, क्या पता ऑडियंस सपोर्ट करे तो 3 वीडियो अच्छी चली जाए। क्योंकि मेरे को पता है इस टाइम क्या है कि मेरे को अपना लोन क्लियर करना है, और एक बार 1 साल निकालना है, और मुझे क्योंकि मेरा 1 साल और निकल गया और बच्चा 3 साल का हो गया ना, 3 साल का बच्चा फिर भी कहते हैं थोड़ा बहुत समझदार होता है, बट मैं तो 3 साल के बच्चे को भी ना घर पर नहीं छोड़ सकती, मेरे टेंशन हो जाएगी। कम से कम 4 साल का तो बच्चा हो, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ अपनी नौकरी का देखूं, आगे का फ्यूचर भी देखना है मुझे भी अपना, तो ये चीज़ हो जाती है। तो बस अभी देखते हैं कैसे होता है, अपना नौकरी वोकरी करेंगे, प्राइवेट ही करूँगी, कोई सरकारी नौकरी नहीं करनी है मुझे। जब भी नौकरी होगी प्राइवेट, फिर मैं क्या करूँगी ना, उस टाइम वीडियो मैं ना दिन की 1 कर दूँगी जब मैं नौकरी क्या करूँगी, बाकी देखते हैं कैसे रहता है। हम भाई के घर क्यों आए हैं, आलू गोभी की सब्जी लेने के लिए आए हैं। तो सुबह पापा जी ने इतनी टेस्टी आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, और उस टाइम मैंने क्या बोला था वीडियो में कि ना तो मम्मी के हाथ का खाऊंगी ना पापा जी के हाथ का, तो पापा जी ने पूरी सब्जी यहाँ मेरे भाई के घर भिजवा दी यहाँ पर। और उसके बाद मैं आने के बाद दिन में पूछा, मैंने कहा पापा जी दिख तो काफ़ी अच्छी रही थी आलू गोभी वाली सब्जी, कहाँ है? पापा जी बोलते दे दी मैंने। मैंने कहा अच्छा। फिर अभी अब आए थे बाजार से, पापा जी बोलते यहाँ रुक गए अपने आप स्कूटी में, क्योंकि मैंने पूछा था ना, पापा जी बोलते, मैं कहा क्या यहाँ क्यों आए, पापा जी बोलते सब्जी लेके आ रहा हूँ आलू गोभी की, खा लियो। ये देखिए मम्मा, ये कौन सा हलवा है? मुझे तो ये मूंग का हलवा लग रहा है, पता नहीं बेटे, मैंने तो कलर से तो यही लग रहा है, रंगत तो वो है ना पीली पीली सी, या तो बेसन का है ये या मूंग का है, मूंग का मिलेगा।
इसमें है दाग काजू, मेरा बाबू खाएगा काजू, ले काजू काजू चुन चुन के दे अपने बाबू ने, चुन चुन के जितने भी है ना सारे बाबू को खिलाऊंगी काजू। तो ये देखिए आप भी खा लीजिए हमारे साथ मूंग का हलवा दाग। किस किस को पसंद है बताइएगा जरूर। रात का हमारा खाना आलू गोभी की सब्जी विद रोटी।